हर बामोदर हुसैन का है, घर हुसैन का है, एक जो सरबलंद है अब भी वो सर हुसैन का है, जवाब वही मोतबर हुसैन का है। इफ्तिखार भाई, ये इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, क्या जबरदस्त मिसरा है ये। दौरे हाजिर में इसका इतलाक, इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी बीबी ने जहाँ पर इख्तिताम किया अपनी गुफ्तगू का, उस सिलसिले में एक मैं जुमला करता हूँ कि इकबाल ने एक मिसरा लिखा था, एक मसनवी में एक मिसरा है, ज़ातशो शोलहा अंदुख्तिम रमज कुरान अज हुसैन आमुख्तिम। मैंने जो इस्लाम और कुरान के जो असरार हैं वो मैंने करबला से सीखे, हुसैन से सीखे, और ज़ातशो और उसकी आग से मैंने शोले कशीद किए। तो उसकी वजाहत ये की गई कि रमज कुरान क्या है, तो ये फरमाया गया कि बातिल के सामने, जब इस्तेदाद के सामने और जबर के सामने और दीन की बका के लिए और खैर के तहफ़ के लिए क़याम करना दीन इस्लाम का फरीज़ा अव्वल है, वजीफ़ा अव्वल है। चुनाचे इसके लिए जितनी भी बड़ी कुर्बानी दी जा सके पहले तो क़याम करना चाहिए और फिर अपनी जान देने से भी गुरेज़ नहीं करना चाहिए। और ये वो काम है जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में दिखाया, चुनाचे ये हमेशा के लिए। और ये जो मिसरा है इसमें भी इमाम जाफर सादिक का कौल है कि हर रोज़ अहले इल्म के लिए, अहले खैर के लिए और अहले ईमान के लिए करबला है, सारी ज़मीनें जो हैं वो करबला की हैं और रोज़ जो है वो आशूरे का है। बेदिल का एक शेर है कि इस दरिन अंजुमन हामिल इश्क़ गयूर, माँ हमा बेगैरतीम आईना दर करबला। 57 मुस्लिम मुल्क हैं, 57 मुस्लिम मुल्क हैं और इनकी सूरत अहवाल ये है कि कोई इनका पुरसान हाल नहीं है। नील से लेकर ताबखा के काशगर जितने मुस्लिम मुल्क हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम मुल्क हैं वहाँ वहाँ जुल्म और जबर और इंतशार की सूरत अहवाल है और सब ने जालिम के आगे बैत कर रखी है और अपने ज़माने के यजीदों की बैत कर रखी है, खुफिया भी और वाज़े तौर पर भी, और इन्हें शर्म नहीं आती और उनकी हमियतें बेदार नहीं होती। और ये सबसे बड़ा पैगाम करबला का यही है कि चाहे सब सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, उसके लिए मदीना छोड़ना पड़े, उसके लिए मक्के को छोड़ना पड़े, अपने घर बार को लुटाना पड़े। देखिए रोज़े आशूर कौन नहीं जान रहा था कि शहीद हो जाएंगे, 72 आदमी मुहावरे में कहे जाते हैं, इनकी क्या बिसात थी हज़ारों के लश्कर के आगे। और ये तय था कि सवेरे ये वाक़या होगा और सब लोग अपने सर कटा देंगे, मगर जिसको आज की 20वीं सदी का सबसे बड़ा उसूल है फ्रीडम ऑफ चॉइस, और फ्रीडम ऑफ चॉइस ये है कि दूसरे रास्ते सामने हों मगर उसके बाद एक रास्ता इख्तियार किया जाए, और वो रास्ता था कि कुछ भी हो जाए, जबर की कोई भी सूरत हो जाए, जुल्म की कोई भी सूरत हो जाए, मगर यजीद की बैत। और जैसे कि इमाम ने फरमाया था और हमेशा हमेशा के लिए ये एक मायार बन गया कि हुसैन के जैसे लोग यजीद के जैसे लोगों से कभी भी बैत नहीं करते, ना पहले कभी उन्होंने बैत की और ना आने वाले दिनों में हुसैन के मानने वाले बैत करेंगे। ये वो पैगाम है जो करबला से सामने आता है, यजीद की बैत से इनकार करना हुसैन की सुन्नत है, हुसैन का हुक्म है, हुसैन की कुर्बानी का मिसालिया है, सबसे बड़ा मिसालिया है। ये एक वाकया नहीं है, ये एक उसलूब हयात है, एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। और किस वक्त हुसैन के जैसे किरदार का मुजाहरा किया जाना चाहिए। और बिल्कुल एक बात कहने की है कि आज 2 दिन के बाद ये वाकया होगा, आप आशूर को देखेंगे, मजलिसें पढ़ेंगे और आप गिरिया करेंगे, उनको याद करेंगे, मगर यहाँ से एक नए सफ़र का आगाज़ होगा और ये वो सफ़र होगा जिसकी क़यादत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करेंगी। एक सफ़र
ख़त्म होगा और एक दूसरे सफ़र का आगाज़ होगा, करबला से कूफा, कूफे से शाम, शाम से मदीना, और इसकी क़यादत खातून फरमाएंगी सैयदा ज़ैनब, जो हमेशा हमेशा के लिए ख़वातीन का एक मिसालियाँ हैं। दुनिया में कभी ऐसा नहीं देखा गया, खदीजा, फातिमा, ज़ैनब, ये तीन माएँ हैं जो आलम इस्लाम में आलम इंसानियत का सबसे बड़ा मिसालियाँ हैं, और करबला हमारे लिए इन्हीं मिसालियों से इबारत है। इफ्तिखार भाई, मर्सिये आपने बहुत लिखे, एक छोटी कोई नज़्म या मर्सिया हो जाए और उसके बाद मैं खानम की तरफ जाऊंगा, ज़किया साहिबा की तरफ। शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है, शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है, ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है, ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है, फुराते वक्ते रवां देख सुए मख्तल देख, फुराते वक्ते रवां देख सुए मख्तल देख, जो सरबलंद है अब भी वो सर हुसैन का है। सवाले बयते शमशीर पर जवाज़ बहुत, सवाले बयते शमशीर पर जवाज़ बहुत, मगर जवाब वही मोतबर हुसैन का है। हुजूरे शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स, हुजूरे शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है, मगर हुसैन हुसैन का है। शरफ के शहर में हर बामदर हुसैन का है, ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।